और जो ग्रैप है, आखिरी पॉइंट, ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। अब ग्रैप में CAQM के ज़रिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एजेंसीज़ के ज़रिए 3 दिन बाद का वो पता चल जाता है, ये पूर्वानुमान फोरकास्ट होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रैप को लागू किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन को पहले से कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ एक मेजर्स हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो सर, पराली को लेकर अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? रियल टाइम सोर्स आपका क्या कह रहा है? पड़ोसी राज्य में कई जगह खबर आई कि जलने लगी है। देखिए, पंजाब का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछले साल पंजाब पर, पिछले साल हमारी मार्च में सरकार बनी थी, तो 6-7 महीने हमें मिले। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% पिछले, उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टेबल बर्निंग भी वो होगी, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरा है चावल की वेराइटीज़, शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ हैं उसमें PL 126, 127, 128 और एक बासमती। इसके ऊपर फोकस किया गया है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये शॉर्ट टर्म वेराइटी जो है इसके, इसमें कम स्टबल होती है और स्टबल को डिस्पोज करने के लिए पीरियड ज़्यादा मिल जाता है, तो उसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके, इसके अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, इस बार काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। दूसरा, XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कई सारे कुछ कंपनीज ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको लेके, खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो एक इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेटा कहना कि इस बार स्टबल कितना कम जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर, ये तैयारी जो आपने की है, मतलब क्योंकि 28 अलग अलग विभागों से आपने बात की है, जो क्लाउड सीडिंग की बात हो रही थी, अगर जरूरत पड़ेगी उसके लिए कितना तैयार है? और मुझे कितना लगता नहीं कि इस साल हम कर पाएंगे। वो एक आइडिया आया था, एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उनके साथ हमने चर्चा की थी, CII की टीम आई थी उसमें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तो इस साल हो पाएगा ऐसा नहीं है। सबसे खराब प्रेडिक्शन क्या है, किस तरीके की जानकारी मिली, कब से दिल्ली का आबोहवा थोड़ी खराब? देखिए, नॉर्मली देखने में आया है कि 15 तारीख के बाद से जब पराली जलनी चालू होती है और हवाएं जो हैं वो इस तरफ आती हैं, तब पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है दिल्ली का। इस साल देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में जो स्टबल बर्निंग है अगर वो कम हुई तो जाहिर तौर पे इस बार पोल्यूशन की इंसिडेंस भी कम होगा। सर, 1 तारीख से जैसे ग्रैप लागू हो जाएगा तो डीजल जनरेटर बंद रखने के लिए लोगों का कंसर्न ये रहता है, जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही नहीं है। NCR के लिए मेरी अपील है आसपास के राज्यों से कि अगर आप 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे तो उनको DG सेट्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। सवाल ये कि आप तो काम कर रहे हैं, अगर नेबर स्टेट में काम नहीं होता, हालांकि आप लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं उसका जवाब आता नहीं, आप लोग ये कहते हैं, इस बार कैसे उसको काम कर? हम CAQM से भी बात करेंगे, जो वो कमिटी है कुट्टी साहब की, उनसे भी बात करेंगे। उनका मैंडेट है कि आसपास के राज्यों को इसके लिए तैयार किया जाए। सर, आपको लगता है जितने प्रतिबंध देश की राजधानी दिल्ली में लगाए जाते हैं, पड़ोसी राज्यों में उतने प्रतिबंध नहीं फॉलो किए जाते? करने चाहिए, क्योंकि दिल्ली इशू केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में जैसे हम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हरियाणा के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, पंजाब के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, यूपी के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस दिल्ली पे होता है। सो थोड़ा सा फोकस अगर आप लोग भी अपना आसपास शिफ्ट करोगे तो वो भी तेज़ी से काम करेंगे, वो भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सभी की मीटिंग अगर या तो CAQM बुला ले या केंद्र सरकार बुला ले तो उसके ऊपर एक जॉइंट प्लान बनाया जा सकता है।